मध्य प्रदेश स्थायी प्राध्यापक संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। अतिथि विद्वान इकाई जिला छिंदवाड़ा द्वारा की गई बैठक में छिंदवाड़ा जिले के सभी महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों द्वारा अपने नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें नियमितीकरण को लेकर वर्तमान कांग्रेस सरकार के वचन पत्र में उल्लेख किया था, परंतु अभी तक सरकार ने अपने वचन पत्र को पूरा नहीं किया, इसलिए अपनी नियमितीकरण की मांग को पूर्ण करने हेतु अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय सर्वसम्मति से छिंदवाड़ा इकाई द्वारा लिया गया। साथ ही 4 अक्टूबर से अतिथि विद्वानों की जो न्याय पदयात्रा इंदौर से चल रही है, इस यात्रा का भी जिला छिंदवाड़ा इकाई द्वारा समर्थन किया जा रहा है और प्रतिदिन छिंदवाड़ा से भी अतिथि विद्वानों का एक एक प्रतिमंडल रैली में शामिल हो रहा है। सिटी एन भारत से रोशन सिंगनापुरी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। हम लोग अतिथि विद्वान हैं जो लगभग 25 सालों से प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जैसा कि कांग्रेस सरकार ने सरकार में आने से पहले वचन पत्र में 17.22 में हम लोगों को शामिल किया था कि हम लोगों को वो नियमित करेंगी, और कुछ दिनों से जो चॉइस फीलिंग चालू हो गई है, जिसको जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री व्यापम 2 का नाम दे रहे थे, जो परीक्षा को जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा हुई है उसी की चॉइस फीलिंग चालू हो गई है और हम लोगों को इस व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है, तो हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें नियमित किया जाए। इस हेतु आपके क्या कदम अभी उठा रहे हैं और आपकी क्या प्लानिंग है? 5 अक्टूबर से हम लोगों ने सबने कॉलेज का बहिष्कार किया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं, और इसी संदर्भ में हमारे जो प्रदेश के साथी हैं उन्होंने इंदौर से पैदल यात्रा शुरू की है, जो 12 तारीख को भोपाल नीलम पार्क में पहुंचेगी और वहां पे लगभग 10 से 12 महिलाएं अपना मुंडन करवाएंगी और ये संदेश देंगी कि आपने वचन पत्र का पालन नहीं किया है और व्यापम 2 बोलने वाली जो परीक्षा है उसमें आप नियुक्ति कर रहे हैं, और हम मुख्यमंत्री जी से यही अपील करेंगे और यही बोलेंगे कि हम लोगों को भी व्यवस्था में रखिए। और हम जिला स्तर पर आपने अभी क्या सभी महाविद्यालय से यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बिल्कुल।